डीआईजी सर, आप? मुझे पता था तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं सुबह सुबह ऐसे आ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम किसी को एक्सपेक्ट कर रही थी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप आइए ना प्लीज। नमस्ते डीआईजी साहब। बैठिए सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सम्राट। आप इतनी सुबह सुबह, सब ठीक तो ना सर? ऑफ कोर्स सब ठीक है, बस ऑफिस में काम का टेंशन चल रहा है थोड़ा। विराट को सुबह से फोन लगा रहा था, वो उठा नहीं रहा, सोचा ऑफिस चलते हुए उससे मिलता जाऊं। कहाँ है विराट? विराट कहाँ है मतलब? ऐसा मैंने क्या पूछ लिया जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा? आप प्लीज विराट को बुलाइए, मुझे उससे बात करनी है, मुझे देखना है कि वो ठीक है या नहीं। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि वो ठीक है या नहीं? कोई प्रॉब्लम है क्या सर? ऐसी कोई बात नहीं है सही, एक्चुअली पिछले कई दिनों से उससे बात नहीं हुई, इसलिए सोचा कि हालचाल पूछता चलूं। मिशन के बाद वो वापसी में आते हुए आधे रास्ते में अकेले कहीं चला गया, उसके बाद ड्यूटी पे रिपोर्ट भी नहीं किया और मेरा फोन भी नहीं उठा रहा, इसीलिए मुझे चिंता हुई और मैंने सोचा उसे पूछूं ठीक है या नहीं। नहीं वो तो ठीक है, वो कल ही लौटे हैं मिशन से और काफी थके हुए थे, फिर आधी रात को उनको किसी का कॉल आया और वो बिना किसी को बताए चले गए। कहाँ चला गया? किसी काम से गए होंगे सर। पर्सनल काम से गया हूँ, क्योंकि जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है उसे कोई ड्यूटी असाइन नहीं की गई और ना ही हमारे ऑफिस से कोई फोन आया होगा। क्या विराट ने तुम्हें बताया कि वो किसी ऑफिशियल काम से जा रहा है? नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, उन्हें बस रात को किसी लड़की का फोन आया और वो बिना कुछ बताए चले गए। आप किसी श्रुति को जानते हैं क्या सर? श्रुति? किसी श्रुति नाम की लड़की का विराट सर को कॉल आया था। जहां तक मुझे पता है विराट का किसी श्रुति से कोई लिंक नहीं है, हो सकता है वो किसी रिश्तेदार या दोस्त की मदद करने गया हो। ऐसा कुछ होता तो वो मुझे जरूर बताती। विराट की दूर की रिश्तेदार भी तो हो सकती है श्रुति। ये बात तो मुझसे बेहतर आपको परिवार के लोग बता सकते हैं। नहीं डीआईजी साहब, श्रुति नाम की हमारी कोई रिश्तेदार नहीं है। डीआईजी साहब, मेरा बेटा कहीं मुसीबत में तो नहीं है? यही तो मैं भी जानने आया हूँ कि विराट सेफ तो है। मैंने आपको बताया ना कि मिशन खत्म होने के बाद आते हुए आधे रास्ते में वो गायब हो गया, उसके बाद ना कोई फोन ना कोई मैसेज, लेकिन वो यहाँ नहीं है तो मैं चलता हूँ। अरे नहीं, आप प्लीज बैठिए ना, वो आते ही होंगे, आप उनसे मिलके जाइएगा। सही, मुझे ऑफिस पहुँचना है, जैसे ही विराट आए उसे कहना कि जल्द से जल्द मुझे आकर मिले। उसने ऑफिशियली लीव भी अप्लाई नहीं किया, मानो इज एन एक्सेलेंट ऑफिसर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रूल तोड़ सकता। सर, विराट ने पहले ऐसा कभी नहीं किया और ना ही उसने कभी कोई रूल्स तोड़े। फर्ज, रूल्स, प्रोटोकॉल्स, ये सब विराट की जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं। यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ, तभी तो किसी नतीजे पे पहुँचने से पहले फेस टू फेस उससे बात करना चाहता हूँ। विराट, जैन सर, आप इस वक्त यहाँ? तुम्हारा हाल चाल पूछने आया। सर, मुझे कुछ दिन का आराम चाहिए। आई नो मैंने ऑफिशियल लीव के लिए अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी सर, इसलिए वक्त नहीं मिला। कल रात को कहाँ चला गया था शिवा? विराट, ये श्रुति कौन है? बोलो ना बोलू, कौन है ये श्रुति? जहां तक मुझे पता है हमारे रिश्तेदार में किसी का नाम श्रुति नहीं है, तो फिर
ये है कौन? इसके एक फोन से तुम आधी रात को कहीं चले गए? वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं कुछ पूछूंगी नहीं, लेकिन हालात को देखते हुए मैं चुप भी नहीं रह सकती। मैं आपकी बीवी और आपकी दोस्त होने के नाते जानना चाहती हूँ कि आप किस ऑफिशियल काम से गए थे, बताएंगे? तुम्हें श्रुति को ऐसी क्या जरूरी चीज देनी थी जिसका तुम सुबह तक वेट नहीं कर पाए? आई होप सब ठीक है ना विराट? वीरू, सही ने हमें सब कुछ बता दिया है, तो तू है ना, आप कोई भी बात मत छुपाना, ओके? सब मुझसे सवाल कर रहे थे तो मुझे बताना पड़ा। अब आपकी मर्जी है, आपको जवाब देना है दीजिए, बाकी मुझे कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है सब जानने में। आप कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, मुझे कुछ नहीं जानना। लेकिन मुझे जानना है शिवा, मुझे तू बस इतना बता दे सब ठीक है ना? हाँ विराट, तुम किसी मुसीबत में तो नहीं हो? नहीं सर, मैं किसी मुसीबत में नहीं हूं, लेकिन श्रुति है। श्रुति मेरे दोस्त की वाइफ है और कल वो मुसीबत में थी, इसीलिए मुझे कल उसके पास जाना पड़ा था। ये कौन सा दोस्त है तुम्हारा, नाम क्या है उसका, रहता कहाँ है, और उसकी बीवी को अचानक ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई कि आधी रात को उसने तुझे फोन किया और तू अचानक उठ के चला भी गया? काका, आपके इन सवालों का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये उनका पर्सनल मैटर है जो मैं आप सबके सामने शेयर नहीं कर सकता हूं। हमें उनकी प्राइवेसी का सम्मान करना होगा। और उनकी मदद करने के लिए मैंने अपनी पोजीशन का फायदा नहीं उठाया सर, मैंने बतौर एसीपी विराट चव्हाण उनकी मदद नहीं की है, मैंने बस विराट चव्हाण बन के उनकी मदद की है। इसीलिए इस बारे में मुझे लगा कि आपको रिपोर्ट करना जरूरी नहीं है, कोई और बात है जो आपको करनी है? विराट, जरा उधर आना, तुमसे बात करनी है। विराट, कुछ ऐसी बात हो गई है जो हम सबको नहीं बता सकते, उस बात से पूरे डिपार्टमेंट में उथल पुथल मची हुई है। मेरा मानना है कि तुम्हारा ये सब जानना जरूरी है। क्या बात है सर? वो लाश पोस्टमार्टम से पहले गायब हो गई। क्या, कैसे हो सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? हमें भी समझ नहीं आ रहा, हो ना हो ये उसी के ग्रुप के लोगों का काम है। पूरे डिपार्टमेंट में हंगामा मचा हुआ है और तुम ऐसे वक्त में छुट्टी ले रहे हो। सर, अगर मेरा काम जरूरी नहीं होता तो मैं छुट्टी लेता ही नहीं। सर, आप मुझे 2-3 दिन का टाइम दे दीजिए, मैं अपना काम खत्म करके ड्यूटी पे रिपोर्ट करता हूँ। तुम अपने उसी फ्रेंड की वाइफ की काम की बात कर रहे हो? यस सर। सर, ये काम मेरे लिए बहुत जरूरी है, आप मुझे 2 दिन की लीव सैंक्शन कर दीजिए सर। तुम मुझे मेल करना, आई विल अप्रूव इट। थैंक यू सर। ऐसी क्या बात है जो आप मुझसे भी शेयर नहीं कर सकते? आप समझ क्यों नहीं रहे? ये सब करके आप मुझे खुद से और दूर कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी यही जिद है तो ठीक है, मैं भी देखती हूँ आप कब तक मेरे साथ ऐसा करते हैं।